नजदीक सीता माई काछुआ रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर एक पिकअप द्वारा खेत में पानी देने के लिए जा रहे किसान को पीछे से टक्कर मार दी गई। इस दौरान किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान को तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिकअप चालक पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां हम आपको बता दें कि सीता माई के समीप एक किसान खेतों में पानी देने के लिए जा रहा था कि तेज स्पीड से आ रही पिकअप द्वारा किसान को टक्कर मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेती बाड़ी करते थे, हम सब अपने ड्यूटी पर आ गए थे। वो जा रहे, जैसे अपने खेत की तरफ मुड़ा, सेलर था वहाँ, सेलर के साथ से सीता माई की तरफ से पिकअप आ रही थी और स्पीड थी उसपे, लोडेड था रोटावेटर ट्रैक्टर के पीछे जो लगाते हैं, वो उससे कंट्रोल नहीं हो पाई उस पे ड्राइवर पे और बाइक जैसे खेत की तरफ गई, उसी साइड में ही जाके फ्रंट में टक्कर मार दी। फ्रंट से टक्कर मार, हाँ, बम्पर पे लगा उसका सिर, जो उसका अंदर से ब्लडिंग आई हुई है, कानों में, मुंह में, सब में आया हुआ है। अभी यहाँ कल्पना चावला, हम जल्दी अमृतधारा में लाए उनको, अमृतधारा में डॉक्टर ने चेक किया तो मृत घोषित किया गया। उसके बाद फिर हम उनको अपना कल्पना चावला में ले आए जी, देखिए पोस्टमार्टम के लिए। क्या कार्रवाई करते हैं? जो कार्रवाई पुलिस ने ड्राइवर को कानूनी कार्रवाई ले लिया, वो जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, स्टेशन से जो ऑफिसर आना है उसको अभी आएगा, उस डेड बॉडी आपको मिल जाएगी जी। क्या नाम है व्यक्ति का जिनका एक्सीडेंट हुआ? अंग्रेज सिंह नाम है। अंग्रेज सिंह नाम है, एक फार्मर है, खेती करते हैं। खेती करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सांबली से। सांबली के ही रहने वाले हैं। कैसे हुई वारदात? ये वारदात घर से खाद लेके चले थे और वहाँ पर एक सेलर है, पेट्रोल पंप के पास सेलर है, सेलर के पास वहाँ से सड़क पार कर रहे थे अपनी। सड़क पार करते हुए पीछे खाद लगाया हुआ था, मोटरसाइकिल के ऊपर खाद रखा हुआ था। जब ये सड़क पार कर रहे थे, उसे पिकअप गाड़ी लेके आ रहा था, ओवर स्पीड में गाड़ी थी। कौन था गाड़ी वाला? सांबली में पिकअप गाड़ी थी, पिकअप गाड़ी थी, ओवर स्पीड में चल रही थी, ओवर स्पीड में या फिर सड़क पार कर रहे थे। उसने आते आते उसके सामने से एकदम टक्कर मारी, एट द स्पॉट इसको सड़क पे गिर गया। बाइक पर थे? बाइक पर थे, बाइक पर खाद लगा हुआ था, खेत में खाद डालने के लिए गए हुए थे। तो घर से कितने बजे चले थे? सुबह सुबह की बात है, लगभग सात बजे करीब। सात बजे? तो एक्सीडेंट कितने बजे करीब हुआ? सात बजे एक्सीडेंट हुआ, मिनट 10 मिनट का रास्ता था। ठीक है, तो आपको क्या सूचना मिली उसके बाद? कैसे सूचना मिली? सूचना एक बच्चा साथ में था इनके। अच्छा, जैसे वहाँ वो भी खाद लेकर गया था साथ में, खेत में खाद डाल देंगे। वो जैसे लौट के आया तो उसको तुरंत आया, उसने देखा, देखते ही वहाँ साथ में पुलिस चौकी भी। तो बच्चा अभी, मतलब बच्चे को भी कुछ चोट? ना, बच्चे कोई चोट नहीं, बच्चा अलग बाइक पे। ठीक है। और जैसे उसको उठा, आज देखा तो वहाँ पर पिकअप गाड़ी को। तो पिकअप गाड़ी की क्या सूचना है, क्या नंबर वगैरह आपको पता है? पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस कस्टडी में, चौकी के अंदर पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया था। वो कुछ गाड़ी उसमें इंस्ट्रूमेंट, ओवर स्पीड वजह बताई जा रही है, ओवर स्पीड की वजह थी। तो पुलिस वालों को कब आपने सूचना दी? मौके पर पुलिस थी, वहीं पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। चौकी वहीं पर है। कौन सी चौकी लगती है पास में? सीता माई चौकी लगती है पास में। पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है? हाँ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई ठीक करी, उसको ठीक मौके पर गिरफ्तार कर लिया और अपने कस्टडी में उसको वहाँ बैठा। घर में कौन कौन है? घर में एक दो बेटे हैं इनके, एक बेटी है। अच्छा, एक बेटे उस वक्त साथ में भी थे? नहीं, साथ में भतीजा, साथ में भतीजा। मेरा नाम रणवीर सिंह है। क्या लगते हैं आप? मैं उनका भाई लगता हूँ। भाई लगते हैं आप? हाँ जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.